लखनऊ में केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच पांचवें दौर की बैठक होनी है। इस बीच सिंधु बॉर्डर पर जमे किसानों ने उम्मीद जताई है कि आज मामला सुलझ जाएगा। उनका कहना है कि सरकार ने कुछ सकारात्मक रुख अपनाया है। यदि सरकार इसी तरह हमारी जायज मांगों को मान लेती है तो हम दिल्ली बॉर्डर छोड़कर चले जाएंगे और मामला सुलझ जाएगा। आज सरकार ने बुलाया है 5 तारीख के लिए। हमें जहां तक उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा, सरकार हमारी सुनेगी। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि जब तक उनके नेता आदेश नहीं देंगे हम दिल्ली छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो उसने बताया है ना, तो जो जाने वाले जाएंगे, हम तो जब तक हमारे आदमी नहीं कहेंगे तब तक हम जाम नहीं तोड़ेंगे, चाहे 2 महीने बैठे रहना पाए। और पीछे से मंगा रहे हम बच्चों से, अपने से, जो हमारी व्यवस्था है वो पीछे से कहीं से लाए, मांग के लाए, भीख मांग के लाए, वो हमारी व्यवस्था पूरी करेंगे। हमारे पास महीनों का राशन जमा है, जरूरत पड़ी तो वे और मंगा लेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवाए बिना वे यहाँ से जाने वाले नहीं है। देखना होगा कि आखिर पांचवें दौर की वार्ता में क्या निकल कर आता है। सरकार किसानों की किन बातों को मानती है और किसान सरकार की किस बात से सहमत हो जाते हैं। अगर आज समझौता हो जाता है तो दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को होने वाली समस्याओं का अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।